खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। बलवान के साथ सो बाक बखाना मार तुफंगन भंग करो हे आवत अगर बद्यो तुरकाना पंच सैल हो पवंगम संग उठाए के बाग करो कमसाना। सम्मान आवर साहेब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहेब सहाबा जोत रूप हर आप मेहमान दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलांच विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साढ़े सारयां दे सिर ते मरामतमई रखे हाथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक कदमां दी खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी दे दर तों नवाजे हुए कीर्तनियां तों बड़े प्रेम रस विच सोदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे पावन हुक्मनामे आपने सरवण कीते ने। कुछ समा होर महिमा दे मालक मेरियां पीरियां दे दाते पार ब्रह्म परमेश्वर दी बारगाह दे सिंघासण संसार ते श्री अकाल तख्त साहिब प्रगट करन वाले साहिब गुरुदेव गुरु हरगोबिंद साहिब जी दियां अमृत जीवन कथड़ियां पावन इतिहास विचार गुरु दीदार दा बायस बन सके इसलिए जितने माता प्राता हाजरीन हाजरी पर रहे हो पेशतर छोटी जी ध्यान साधना है दोवे हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दिआं नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलां ते टिकिआ है ते साहिब जीआं ने मेहर भरिआ हथ साढ़े सिर ते रखिआ होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदिआं चरण चुमदिआं होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदिआं इतना आपने प्रेम सहित सरवण कीता कि गुरु सर दे मुकाम महाराज दे कोल सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ते लल्ला बेग कमर बेग आदिक जरनैलां दे जरनैली हेठां कोई 35,000 सैना शाहजहान दी लाहौर तों ते होर लागे लागे दियां सौणियां तो चढ़ के आई पर मौसम बड़ा ठंड दा सी जिस करके जंग करना कोई आसान नहीं सी।
सब तो पहले 7000 सेना अगे चलती पई सी और इस ढंग दे नाल महाराज जी नाल जंग करन वास्ते चली पहुंची। जदों गुरसिख भाई जोध राय जी, भाई सलेम शाह जी ते होर बहादुर बाबा बिधी चंद आदिक दी रेज थले ये सेनावां पहुंचियां तो उन्होंने अगों भारी बंदूकां नाल बौछार कर दित्ती गोलियां दी और इस ढंग दे नाल बहुत जद मार हुई। बंदूकियां 7000 की भीर आई, जब जोध ने जोर परयो तब जाना। महान सूरवीर भाई जोध राय जी ने देखिया, महसूस किया भी उस सेना का जोर पै रहा ते हुण साढ़े रेंज दे थले आ गई हैं। शाह सलेम सुप्रात हो तो बलवान के साथ सुबाक बखाना उसका छोटा भरा सलेम शाह, जो दोवें भरा 500 सेना लैके महाराज जी की अरदल विच सतगुरु पातशाह जी के पक्ष विच हो के जंग करन आए सन। वड्डे भरा जोध राय ने छोटे भरा सलेम शाह नूं इस तरह आख्या कि मार तुफंगन भंग करो, यह आवत अगर बध्यो तुरकाना, ये तुरक सेना अगे वधी आ रही है। अपनी सेना दे 500 जवान लैके सामने डट जाओ ते इक्को वार बंदूकां चों गोलियां चला के मार मार के इन्हां दे टुकड़े कर देओ। मार तुफंगन भंग करो, ये आवत अगर बध्यो तुरकाना, ये तुरक सेना अगे चढ़ी आ रही है। 500 लिहो पवंगम संघ, उठाए के बाग करो कमसाना। जिहड़ा 500 घोड़ सवार सूरमा भरा जी तुहाडे नाल है, तुसी उसनू लै लवो और वागां खिच के भाव पूरे बल नाल जंग करो। 500 लिहो पवंगम संघ, उठाए के बाग करो कमसाना। जुद सुप्रात जोध सुप्रात की आयस को सुन, शाह सलेम चले उत्साह। मैं अर्ज करा ये बड़ा वड्डा बल हो जाता, एक तो सतगुरु जी का था बख्शिश का बल इन्हां दे नाल है, ते दूसरा जे किधरे मैदाने जंग विच सका भरा नाल होवे ना, फिर उहदे वर्गा होर बल नहीं होता। महाराज जी दे बोल भी ने, जैसे रण में सखा प्रात, जिवें मैदाने जंग विच कोई होवे चारों पासे दुश्मन दल नाल घिरिया आया होवे ते इकला पै जाए ते पिछों सके भरा दी आवाज़ आ जाए भई भरा तैयार हो जा, घबराई ना, मैं आ गया, ये आवाज़ ही भरा नूं बल नाल भर देंदी है और दुश्मन दलां दा बल खीण कर देंदी। इत्थे महाराज जी की कृपा है, बख्शिश है, अथाह मेहर बरस रही है। ते उहदे नाल नाल ये भी प्लस पॉइंट है कि नाल भरा जंग विच मौजूद है और वड्डा भरा छोटे भरा नूं इस तरह कहिंदा पिया भई तुसी कमसान दा जंग करना। मैं अर्ज़ करा ये जंग बड़ी असामी जंग है। महाराज जी दे नाल कोई 4000 सूरमे हैं, घोड़ सवार हैं, कुछ प्यादे हैं, पैदल सेना, ते इस पासे 35000 सेना छड़ के आई। लोकी बड़े हैरान होंदे ने भई ये खालसे थोड़ी जी गिनती विच भी होवन ते वड्डियां सेनावां दा मुकाबला किवें कर लैंदे। ऐ तुसी देखिया सारा गढ़ी दे मैदान विच
दस हज़ार तो ज़्यादा पठान जड़े सन चढ़ के आए तो कुछ उन्होंने दूत भी आए आके एक ही गुरसिख सन सारा गढ़ी दे वो छोटी जी किले विच छोटी जी गढ़ी विच जिसनों किला तो नहीं आख्या जा सकता बस एक ओट लैन वास्ते गढ़ी दीवार की तरह ही सी। इतों अंग्रेज सेना नूं दो किलियां विच दोई पासी सिग्नल दिता जाता सी। उन्हां दिनां विच सिग्नल देण दा अपना ढंग सी, शीशे नाल सिग्नल दिता जाता सी सूरज वल करके जिस तरह नाल उहदी लिशक पैंदी है चानण धुप रिफलैक्ट होंदी है। एक वारी उपर करन दा मतलब होर सी, दो वारी करन दा मतलब होर सी। इस तरह अग जला के धुआं करना ये सिग्नल सन। उन्होंने दिनों इस तरह का सिग्नल सिस्टम नहीं सी। जो अज दुनिया दिया बेशतर सेनावां कोल मौजूद है उन्हां पठाणा दे कुछ दूतां ने आके कहा बई तुसी थोड़े जे हैगे हो ते साडा थोड़े नाल वैर नहीं, साडा वैर अंग्रेज़ नाल है, असी थानू रस्ता देंदे हां तुसी निकल जाओ। उन्हां हस के कहा गल ये है भावें अंग्रेज़ दे राही सानू रिजक मिलदा है, रोजीना तनखाह मिलदी है, पर सानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने महान एक बचन दे के समझाया होया जाचक अनेक सो एक दिवैया। सारा संसार पार ब्रह्म परमेश्वर दे दर दा भिखारी है ते दाता वो इक्को ही हैगा। इसलिए असी उस राजक दा शुकराना करदे हां ते असी नहीं समझदे भी साड़ी किसे अंग्रेज़ ने जां काले ने कोई ड्यूटी लाई हुई है, असी ये समझदे हां पार ब्रह्म परमेश्वर ने साड़ी ड्यूटी लाई, सानू ये फर्ज दिता होया सही पूरे शाह जे वक्ते उपर लड़ मोए। इसलिए असी पिछे नहीं हटांगे ते थानू ही पिछे हटना पए। हुणे ही एक दो दिन पहला श्री अकाल तख्त साहब दे बहुत ही सत्कारयोग हाईली क्वालिफाइड जथेदार श्रीमान सिंह साहेब हरप्रीत सिंह जी उत्थे सारा गढ़ी दे शहीदां दी याद उन्होंने इंग्लैंड निवासी सिखां ने बनाई ते उसका इनोग्रेशन करके हुणे हुणे आए। ये गल वक्री है बई साड़ी कौम विच इस तरह के लोग भी दिखाई पैंदे ने जो हर चंगे काम नूं अपोज जरूर करते, उन्हें सहयोग नहीं करना होंदा, उन्होंने समझना नहीं होंदा, पर विरोध जरूर करना होंदा। वो सब जगह ही थानू मिल जावणगे जैवे कमल दी जड़ दे थले चिकड़ होंदा है। इस तरह सतगुरु जी दी महान बख्शिश महान गुरमत महान निर्मल पंथक सिद्धांत दे थले इहो जिहे कुछ विरोध करन वालियां दा चिकड़ भी मौजूद है, पर उस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। चिकड़ दी इतनी शक्ति नहीं आउंदी कि कमल दियां पंखुड़ियां ते जाके बैठ जाए। वो सदा निर्मल ही हुंदा है, जल तो उच्चा रहता है, भंवरे दूरों दूरों आके खुशबुआं लै जांदे ने पर मेंढक वर्गे जड़ विचों गारा ही खांदे रह जांदे। महाराज गुरु नानक देव जी का बचन भी है, दादुर तू कबहे न जानस रे पखस सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखसरे। ऐ मेंढक रूपी मनुख तेरी बिरती यही है, तू जड़ विचों कीड़े मकौड़े चिकड़ जाला इसनू अपनी खुराक बनाउंदा है, पर खिले हुए कमल दी महक लैनी तेरे भागां च नहीं है, तेरे वस दी गल नहीं है। कुछ ना कुछ थानू इस तरह दे लोग मेंढक बिरती वाले मिल जाएंगे। अपना आप तू कभे न छाड़स पिसन प्रीत ज्यों रे, जैसे चिचड़ होंदा है ना
ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਹਵਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਥਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਗਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਚੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੀ ਗਊ ਦੇ ਬਛੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਿੱਚੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਹਾਉ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖੂਨ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਚੇਚਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸਦਾ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਗੂੰਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿੱਚੜਨੁਮਾ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸਾਰਾ ਗੜੀ, ਜਿੱਥੇ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦਾ? ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ, ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3,000 ਸੈਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, 500 ਸੈਨਾ ਦੋ ਭਰਾ ਜੋਧ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਟੋਟਲ 4,000 ਸੈਨਾ, ਕੁਛ ਪਿਆਦੇ ਹੋਵਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਾਰੂਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 35,000। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਬਈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਤੁਫੰਗਨ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਵਤ ਅਗਰ ਵਧਿਓ ਤੁਰਕਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜ੍ਹੇ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਰਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋਧ ਸੋ ਭਰਾਤ ਕੀ ਆਇਸ ਕੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਧ ਸੋ ਭਰਾਤ ਕੀ ਆਇਸ ਕੋ, ਸੁਣ
सलेम शाह ने जद अपने वड्डे भ्राता जोध राय की आग्या सुनी। देखो ये भी बड़ी वड्डी गल है, छोटा भरा भी सियाणा होवे, समझदार होवे, ते उस दे मन विच प्रेम भाव होवे, ते ओ वड्डे भरा दे बचन नू आग्या जाण के मनदा, वी जिवें कोई बादशाह दा हुकम, जिवें कोई परमात्मा दा हुकम। सतगुरु गुरु अर्जन दे महाराज जीआं नू ही देखीए, वड्डे भरा पृथ्वी चंद दे प्रति उन्होंने कदी अपमानजनक एक शब्द भी अपनी जबान तो नहीं बोले, बल्कि जब बहुत बीमार हो गए पृथ्वी चंद, तो महाराज गुरु अर्जन देव जी ने अरदास की, प्रभ जीओ तू सुख संपत रास राख लेहो भाई मेरे को, प्रभ आगे अरदास। बड़े ध्यान नाल सुनना, थोड़ा महाराज जी की ताबिया हाजरी विच बैठिया का ध्यान उधर उधर ना जा, ये सोचा का संसार चलता रहे, पर इत्थे सिमरन, इत्थे सतसंग, इत्थे सतगुरु जी की महान शक्ति वरतदी है। इसनूं समझदिया होया पूरे ध्यानपूर्वक सरवण करना, भरा की आग्या मन्नी। जे वो जिहा भरा होंदा ना ते अगों कह देंदा वी भाई जी सैना ते थोड़े कोल भी मेरे जदी 500 सैनिक थोड़े नाल भी ने, ते मैनू जो भेजदे हो ते आप ही चले जाओ, मैं कल जावांगा, मेरी सैना अजे तैयार नहीं हैगी। पर इत्थे तां मैं अर्ज करां भावना नाल भरे, एक नूं एक चढ़ंदियां, दोवां ने महाराज जीआं तो जीवन सदके करन दा अपना मन बनाया होया। इसलिए भाई सलेम शाह ने भाई जोध राय दे हुक्म नूं गुरु दा हुक्म समझिया, वी महाराज दी आग्या होई, परमात्मा दी आग्या होई है। जोध सो प्रात की आयस को सोना, साहु सलेम चलियो उत्साहु। सलेम शाह बड़े उत्साह नाल भर गया, बड़े चार नाल भर गया है। तीर तुफंगन तो मर के, इस तरह तीर बंदूकां बरसे आदक, तरवारन को गह कह कर माहू, इस तरह तलवारां श्री साहिब अपने हत्थां विच पकड़ के, एक सूरमा एक शस्त्र लैके नहीं जाता, उहदे कोल बंदूक भी होंदी सी, उहदे कोल तीर कमान भी होंदा सी, उहदे कोल कटार भी होंदी सी, उहदे कोल खंजर भी होंदा सी, उहदे कोल भाला भी होंदा सी, इस तरह वड्डियां वड्डे खड़ग किरपाना भी होंदिया। कारण कि पता नहीं किस जगह ते किस शस्त्र की लोड़ पै जाए, जे दूर सूरमा है ते तुफंग नाल तीर नाल उसनू रोकया जा सकता है, जे थोड़ा जिहा दो चार कदमा 10 कदमा ते है ते नेजे नाल रोकया जा सकता है, जे बहुता नेड़े आ गया ते तलवार हैगी, ते जे उस तो भी नेड़े आ गया फिर शीश ते सजाए हुए चक्कर भी मारे जा सकते, उस नाल भी रोकया जा सकता है। चक्कर दोवें तरह नाल हाथ विच पकड़ के भी, शीश ते सजा के भी, ते हथों छड़ के भी दूर चलाया जा सकता। इस तरह शस्त्रां नाल सनदबद्ध हन सूरमे, ते बहुत खुश होया सलेम शाह। जाए तुफंगन को छुरवायो, झटपट अपने जिहड़े सैनिक सुणना नूं कहा बई सारे बंदूकां भर लवो, तोड़े कस लवो, एक ही बार परे बित याहू, और इस तरह दे नाल तुरंगा बंदूकां दे फायर करवा दिते, ते एक बार इको दम ही इस तरह दे नाल परे बित याहू, इस तरीके नाल ज्यों दल टिड्डन को लिख कर, इस तरह जिवें टिड्डी दल नू देख करके, हित मारण ताए बिहंगम ताहू, और इस तरह एक हैगा जिहड़ा पंछी हुंदा जिहड़ा टिड्डी दल नू खांदा, कई पंछी खांदे ने, जिवें टिड्डी दल आया होवे ते ओह पंछी चा नाल उस नू खाण वास्ते दौड़दे ने। इस तरह सलेम शाह दियां सैना सैन शाहां दे सैन शाह गुरु हरगोबिंद साहब जी दी मेहर सदका इस टिड्डी दल नूं निकलण वास्ते 7000 ना ऊपर 500 ते उधर 7000 सैना दा दल सी आ रहा सामने, 35000 चों बाकी पिछे सन, ते 7000
अगे सी उन्होंने 500 ने धावा जाप बोलिया तोर गए इम मारन को और इस तरह दे नाल दौड़ के गए इन्हों खत्म करने वास्ते भूत छुदा तुर के हर ज्यो मृग इस तरह जाप है जिम्मे मृगा की डार ते कई दिन के भुखे शेरां दा टोला पै जा एक नूं भी नहीं जान देना सुन नाद निहारन को और इस तरह दे नाल सुन नाद मृग को सुन नाद निहारण को होत सुधासर केहर ज्यों मृग को सुन नाद निहारण को इस तरह घंटे हिड़े की आवाज़ सुन के जिमें मृग देखने लई सुनने लई आ जाता है इस तरह जंग का नाद सुन के ये शेरां की तरह मृग ते ते जिमें मृग घंटे हड़े की आवाज ते आंदा इस तरह आया ना हाथ उठा इस कैनर पू इस कारण होर भी है भाई भावें दुश्मन सेना 7,000 है 35,000 तो 7,000 28,000 हाले पिछे है 7,000 अगे है पर उस वेले दुश्मन सेना हाथ भी उच्चा नहीं कर सकती भाव जंग करना तो दूर है हार मनन वास्ते दोवें हाथ भी उच्चे नहीं कर सकती कारण की है थर सुन पए हित हारन को ओ जड़े ने ना उन्हां दे हाथ पैर ठरे हुए ने सुन हुए बड़ी सीत लहर चलती पई ते हाथ पैर सुन हुए हुए ने ते जे हारन वास्ते सिलंडर करन वास्ते हाथ चुकने भी पैण ते इन्ना भी नहीं कर सकते ठंड नाल चंगी तरह भन्ने होए हन हवै न तुफंग संभारण को उन्हां कोलों तां बंदूक संभी भी नहीं जा रही तब कौन गहै तरवारन को जे बंदूक ही नहीं संभी जा रही तलवार किने पकड़नी तलवार नाल कौन युद्ध करेगा बंदूक दे लक्कड़ लगी होण करके इन्नी ठंडी नाल नहीं आती पर तलवार तां मुठा ही लोहे दा है वह तो बहुत ठंडी होगी पहले ही शीत लहर कंबा छड़िया होया ते तलवार किवें पकड़न गए आद हजार तुफांग छुटी पे इस पास्यों सलेम शाह दियां अद्धा हजार पाप 500 बंदूकां फिर गर्ज पईया चार से मार के भूम गिराए एक वारी इतने निशाने लगे भी 500 विचों 400 दुश्मन जड़े सानो जमीन ते तरासाई होके डिग पे उठ गए गन तुंडर मुंड इस तरह किसी का मूंह फट गया किसी दी अखां निकल गईयां इस तरह उन्हां दे घाओ घाओ हो गए प्रचंड ही घाओ लगे समुदाय बहुत ही जख्मी हो गए उन्हां सारियां दे चेहरे मूंह हाथ पैर आदक हाय कराहत को हाथ पे हाय हाय पुकार रहे हन पीड़ा नाल करा रहे हन कुछ जीवत पाए दुरे है ताए और इस तरह दे नाल कुछ जीवत पाए दुरे है ताए कुछ ज्योंदे ने ते ओ घोड़े दौड़ा के दूर जाके लुकना चाहते हैं अंगन पंग तुरंग पए पर घोड़े भी दौड़ते नहीं कई गोलियां घोड़िया दे भी लगिया हुई उन्होंने भी घोड़िया के अगले पौड़ किसी दियां नासां किसी दी छाती किसी दे कान नहीं उड़ गए घोड़े भी बुरी तरह जख्मी हो गए हन जंग गिरे पट संग गिराए और इस तरह के नाल मैदाने जंग विच डिगे पए ने ते सूरमिया ने वड्डा सलेम शाह दिया सूरमिया ने हल्ला किया है ये सूरमे नालों नाल डिगदे जा रहे हैं बीच मसाल ची नास करे सूरमिया दे नाल मिसाल ची जड़े सन ना मिसालां बाल के चलन वाले वो भी कदी कदी अपनी मिसाल अपने हाथ नाल ही ढकी जांदे ने हाथ ठरदे ने मिसाल ते उपर जलदी है थल्लों ते उहदा दस्ता पकड़िया हुंदा है ते वो ठरदा है ते अपने हाथ सेक दे ए मिसाल ची भी कई सिंघां दियां गुरसिखां सैनकां दियां गोलियां नाल उते मैदान विच मारे गए हन अंधकार महा अर धूल उड़ाए बहुत अनेरा भी है ते धूड़ भी उड़ रही है घोड़ियां दे पैरां नाल पूरन स्रोण बिलोचन पे और इस तरह दे नाल खून ही खून सारे पासे दिखदा पिया है तन खेह जमी अत सै अकुलाए शरीर ते खेह जमी हुई है ते बहुत बुरा हाल है इस तरह दे नाल ए जड़े चढ़ के आए सूरमे हन वो कन्न ते नेत्र धूड़ नाल उन्हां दे भर गए
शरीर ते खे जम गई है ते बड़े ही व्याकुल होए पए हन। घोरे मरे अटके चलते तिन। और इस तरह दे नाल भाई साहब जी ने बड़ा सोहना लिखिया, कहिंदे घोड़े मरे अटके चलते तिन। उन्हां दे चलदियां चलदियां दे लाशा नाल थोड़े खा खा के डिगदे पए ने, ते घोड़े भी कई मरे पए ने, ते उन्हां नाल भी वज वज के उन्होंने सैनिक जड़े ने डिगदे पे हैं। पर और गिरा जो तवाए जेड़े घोड़े दौड़ा के भजना चाहते ने सामने मरे पे घोड़िया नाल ही उन्होंने घोड़े टकरा जाते, तो वह घोड़िया समेत दड़ दड़ करते जमीन ते डिग रहे हैं। दोहरा शस्त्र पए ने शत्रु ते साहा सलेम सुजान। और इस ढंग दे नाल बड़ा सोहना भाई साहब जी ने लिखिया कि सलेम शाह ने जान लिया भाव शस्त्रां ना दल सके, शस्त्रां जड़े ने उन्हां दे सिंघां गुरसिखां नूं दल नहीं सके, मार नहीं सके। शस्त्र पए ने शत्र ते शाह सलेम सुजान। ये सुजान शाह सलेम ने जान लिया बे इन्हां कोल शस्त्र नहीं चल रहे चंगी तरह। खैच कृपा न मिल गए मार मार कर जवान। इन्हां ते ठंड दा बहुत असर है, एक लाहौर तो चल के आए थके भी होए, घोड़े भी थके हुए ने, एक ठंड भी बड़ी है। इस वेले मुकाबला करन तां आए ने पर इन्हां विच बल है नहीं, ये सलेम शाह ने जान लिया है। तुरत आप ही मुर परे रोरा तुरकन पाए। और इस तरह दे नाल हत्थां विच किरपाना पकड़ के इहदा ने जयकारे गजाउणे शुरू कर दिते। ये सेम चमकौर साहब की जंग विच भी इंजी होया, जद महाराज जी ने ताड़ी वजाई थोड़ी दूरी ते भाई दया सिंह जी ने भाई मान सिंह जी ने उच्ची सारी कहा पीरे हिंद में रवत। हिंदुस्तान का बजुर्ग भाव गुरु गोबिंद सिंह महाराज जा रहे हैं, तो तुरक सारे आपस में जी भिड़ पे, ठंड सी अनेरा सी मिसालां बुझ दियां जा रही सन। और इस ढंग के नाल सेवें जामे दे भी इस गुरु सर महाराज के जंग में इस तरह ही होया कि आपस में ही तुरक एक दूजे पै गए सिख समझ के। कटन लगे तब आप मैं कछु न जान्यो जाए। आपस में ही एक दूजे ते सिर लाई जा रहे ने, बाहां कट्टी जा रहे ने, मारदे जा रहे, ओनू मार रहा सिख समझ के, ओनू मार रहा सिख समझ के, आपस में ही अनेरे विच इंज हो जाता है। सवैया पूत पिता के हते सिर में। पता नहीं चलता किधरे पुत्र ते पिता जे दोवें जंग च ने, ते पुत्र ही पिता दे सिर विच मारी जांदा पिया, भाव सिर ला रहा है, पछाण नहीं हो रही कि सामने कौन है। पित मारत पूत को नाहिन जाना। पिता पिता अपने हाथ नाल तलवार अपने पुत्र दी गर्दन ते मार रहा, पर पता नहीं चल रहा कि कौन मार रहा ते कौन मर रहा है। प्रात सो प्रात गिरे ओ कटके। इस तरह भरावां हथों उन्हां दे भरावां दे कतल होए, गिरे जमीन ते टुकड़े हो के। तिम नाहे चचा को भतीज पछाणै। इस तरह मानो वे चाचा भतीजा भी एक दूजे नूं पछाणदे ने, अनेरा है। ते फिर भाई सलेम शाह ने तलवार पकड़ के जयकारे गजाए ने, ते उस दे शोर विच आवाज विच इन्हां नूं भुलेखा ही लगी जा रहा, वे खुरे सिख ही ने सारे, जिधर कोई दिखदा है ठा ठा तलवारां मार रहे हन। मीत सो मीत किरपान बही। बस इस तरह कह लो भाई मित्रां दी मित्रां ते किरपान वगदी पई है। मत होत पई हत आप ही हन। इन्हां दी मत मारी गई है ते नेरे विच घबराए हुए चकराए हुए एक दूजे नूं अपने आप नूं ही मारी जा रहे हन। मार मरे सो हजार ही सत्रुण। इस तरह आपस में घमसान होया इन्हां दा, ते आपस में मार दे मरदे हजारा ही इन्हां दे बंदे मारे गए। होर ही कार बिखै तुरकाना। थोड़े समय में इस तुरक सेना दे हजार सत हजार आए सन, उन्हां चो हजार मारिया गया। दोहरा सपत सहस्रण के बिख परी रोर इस पाए। सत हजार सेना हजार तो विचों मारी गई,
ते बाकियां विच बड़ा रौला पै गया। कित हमरो दिल कित गुरु नह किछ जान्यो जाए। पता नहीं चलदा वी साडा दल किथे है ते गुरु दा दल किथे, भाव साडी सेना केड़ी है ते गुरु दी सेना केड़ी है। कित गम ने कित ते हटे रहे उना कुछ मन ज्ञान। पता नहीं चल रहा वी किधरों कोई आया किधर नूं कोई गया, कौन मारिया गया, किन्ने मार दिता है, किहड़ा बचिया रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। रात दे अंधेरे सर्द रात विच एक तम पुन हिम रज अधिक परे प्राण कर हान। एक तां अंधेरा बड़ा है, फिर ठंड बड़ी है, ते फिर धूड़ बड़ी उड़दी पई घोड़ियां दे पैरां नाल। इस तरह परे प्राण कर हान, अपने प्राण गवा के मैदाने जंग विच लोथां बन के पए होए हन। इत उत को कित टर गए दैव जोग ते कोए। इस तरह दैवी योग करके दैव नेत करके पता नहीं चलदा कोई किधर नूं चला गया, इधर उधर टल गए हन। बचियो गयो बाकी सकल परे मृतक रण होए। जिहड़ा कोई बचिया हो रहा बाकी सारे ही लाशां बन के मैदाने जंग च डिगे होए हन। पूरन पुरखन ते कहो पूरा उतर कौन। भाई साहब कहंदे ने दरअसल गल ये इस करके इन्हां दी सेना इतनी वड्डी रात वेले ही मारी गई संघारी गई, क्योंकि पूरे पुरख गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बराबर कौन हो सकदा, उन्हां दे ते चरणां दी धूड़ दे बराबर दुनिया के करोड़ों कुबेर के खजाने नहीं हो सकते, तो उन्होंने बराबर किड़ा हो सकता है। गुर संतन सो अरह सुमंद भाग होवे जोन। बस इंज कह लो भी गुरु नाल महापुरखां नाल वह बंदा अड़दा है जिदे माड़े भाग होंदे, माड़े भाग वाले दुष्टां दा साथ देंदे। महाराज की बाणी के बोल ने बड़ा सोहना फरमान आप जी का, कहिंदे ने संतां नाल वैर कमावंदे दुष्टां नाल मोह प्यार, दुराचारियां नाल बड़ा नेड़ता रखणगे, बेईमानां नाल ठग्गां नाल झूठियां बेमानियां नाल बड़ी नेड़ता रखणगे, ते संतां नाल वैर पा लैणगे। संतां नाल वैर कमावंदे दुष्टां नाल मोह प्यार, ते फिर मिलदा ये है बई अगे पिछे सुख नहीं, ना इत्थे ना उत्थे कोई सुख नहीं लभदा, मर जम्मे वारो वार, बार बार जम्मदे हन मरदे हन नरक च पैंदे हन। इस तरह इन्हां दा हाल हुंदा है, ते इत्थे उही हाल हो रहा है। हांजी दोहरा आपस में फिर जाहे ते तबे करे हथियार। इस तरह दे नाल पता नहीं चल रहा भी की हुंदा पिया। गुरु नाल संत जनाल जां जड़े अड़दे ने मंद भागे हुंदे, फिर आपस में फिर जाहें जे तबें करें हथियार। भाई साहब जी ने बड़ा सोहना लिखिया, कहिंदे ने इस ढंग दे नाल जदों आपो विच भिड़ जांदे ने ते हथियार नाल गुरु जी दे योधे वैरी पर मार करदे हन, पता नहीं चलदा वी मार किधरों हो रही है। सतगुरु जी दे सूरमे इन्हां नूं पूरे बल नाल संघार रहे हन। नत पारे मारे सर्ब परे हजार सुमार। इस तरह नत पारे मारे सर्ब, इन्हां नूं तां पाले नहीं मार छड़े, और इस तरह दे नाल पाला बन बन के वैरी ढेरां दे ढेर डिगदा जा रहा। महाराज जी दे सिखां दे सामने इन्हां दी पेश नहीं जांदी पई, और बे हजार सुमार हजार गिनती इन्हां दी, भाव हजार क सैनिक मारे गए हन। सवैया फिर आफत परी कोह दीरग। इन्हां ने देखिया भी साडे ते तां बड़ी आफत पै गई, बिपता पै गई है। कंबर बेग हटियो पिछवाई। कमर बेग जेड़ा उह पिछे हट गया। फिर मसाल बिसाल जलाए। फिर बहुत सारियां मसालां जला के रोशनी करके कराल पिख्यो दल को समुदाई। और देखिया बड़ा विकराल भयानक जेड़ा दृश्य बनिया होया है, दिल दा बहुत सारे मारे गए हन। वीरन पो बहो वीर परे। इस तरह वीर सूरमियां दे उत्ते
ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਨ ਘੋਰਨ ਪੈ ਮਰ ਘੋਰੇ ਇਥਾਈ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਸੇ ਭਏ ਮ੍ਰਿਤੂ ਇਹ ਸਗਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕੈਸੇ ਭਏ ਮ੍ਰਿਤੂ ਇਹ ਸਗਰੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਕਦਮ ਮੌਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਤ ਹੈ ਚਿਤ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਬਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾਈ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਪਕ ਬੋਲਤ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਭੱਕ ਭੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਣਤ ਭੂਤਲ ਬੀਚ ਬਹਿਓ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹੂ ਕਟੀ ਕਿਹ ਜੰਗ ਕਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਗਰੀਬ ਕਟੀ ਤਰ ਹੋਏ ਰਹਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਲ ਕਾਂ ਲਗ ਪ੍ਰਾਣ ਦਏ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਮੁਕਹਾਏ ਕਹਿਓ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟੇ ਪਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਰੇ, ਕੁਝ ਉਲਟੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੇਡੇ ਪਰੇ ਬਟਕਾਵ ਲਹਿਓ, ਔਰ ਕੋਈ ਟੇਡਾ ਵੱਖੀ ਪਰਨੇ ਪਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਖੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵੱਖੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੂਲੇ ਤੱਕ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਪਠਿਓ ਨਰਕੋ, ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਹਾਂ ਬੇਗ ਲਲਾ ਸੁਤ ਜਾਏ ਸੁਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋ ਸੀਤ ਤੇ ਅੰਗ ਗਏ ਠਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਲਹਿਰ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਅੰਗ ਅੰਗ ਠਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹਵੈ ਤਮ ਕੋ ਸਮੁਦਾਈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਟ ਸੈਨ ਮਰੀ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਕੁਚੀ ਸਤਰੂ ਖਰੇ ਸਮਹਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਦਲ ਅਗਰ ਪਠਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ। ਸਾਮਕ ਹੋਏ ਕਰੈ ਜੋ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਸੁਣ ਸਰੋਣ ਰਹਿਓ ਬਿਸਮਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਿਓ ਦਲ ਬਾਦ ਸਰਿਓ ਨਹਿ ਕਾਜੂ, ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 15 ਤਾਰੀਖ ਦੀ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 50,000 ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਬੈਠੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁਣ, ਦਿਖਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੋਧਰ ਨਿਰਮਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 100-200 ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਜੇ 50,000 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ,
पर जे मैदाने जंग दी विकराल हालत हो हाथ पैर टुकड़े टुकड़े होए पे ने सिर लत्थे पे ने लाशा ते लाशा ने 1000 गिनती भाई साहब जी ने इन्हां दी लिखी है पहली रात दे पहले वेले ही इन्हां दा ये हाल होया ते देखण नूं ये हज़ारां दा ही ढेर लगदा पे। इस करके लला बेग घबरा रहा है, हैरान हो रहा है भी की हो गया है। बेग लला पुन आयस दई, इस तरह फिर लला बेग ने आयस आग्या दित्ती अपने सैनिकां नूं, सावधान को होए समूह समझू, आख्या सारे सावधान हो जाओ लड़दियां ध्यान रखना भी कित्थे मरदे पए। ते अगो सैनिक कहंदे ने हजूर आला करिए कि पता ही नहीं लगता किधरों तलवार वज जांदी। जिन्हें चिर नूं असीं दूजे दे वार दा जवाब दिंदे आ बाह लत्त के डिग पैंदी, किसी दी गर्दन लत्त के डिग पैंदी, पता नहीं किधरों खुदा दा कहर नाजल होया है। आपस की कर ले हो पछाण, आखण लगा लला बेग भी अपने अपनी पछाण कर लो, ना दस दस के लड़ो भी मैं फलाना। साध संगत फिर मैदाने जंग विच कोई आईडी कार्ड दे के थोड़ी मारदा, भी पहले पढ़ ले ते फिर देख ले फिर नाम पुछ ले फिर दस दे। हो सकता अगला कोई होर ही ना दस दे, अगला समझे भी दुश्मन दा ले कोई सिखा वर्गा नाम दस दे, ये तो नहीं ना हो सकता। भी पहले अगले दा आधार कार्ड मंगवाओ, फिर उन्हें चंगी तरह पढ़ो, फिर देखो भी असली है कि नकली है, ते फिर जंग करना है। ए पछाण किवें होवे, मुश्किल काम है। महान हनुगुर जाए न पाजू, और इस तरह दे नाल कहंदा पछाण कर लियो महान हनुगुर जाए न पाजू। आखण लगे जाओ महान गुरु जिन्हूं सारा संसार कहंदा, तुसी बड़े महान हो, किते गुरु भज ना जाए हुणे ही पकड़ लवो। रात की घात पली हमको, ऐ रात दा जंग जिहड़ा सानू घात ला के करना चंगा है। दिन मैं ना थिरै कह लीजह आजू, दिने उहनां नूं पकड़ना मुश्किल होवेगा, अज ही रात रात ही पकड़ लवो। द्वै सरदार पठानन के दल, दो सरदार पठान सन, 14 सिपा सलार, उहनां दा दल 8000 सी। पहले 1000 7000 चो मारी गई, 8000 होर, 8 से 14000 हो गया। 8000 है जिन संगा, और इस तरह दे नाल बड़ा सोहना लिखिया भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने भी, 8000 है जिन संगा, दो वड्डे सरदार ने, 4000 सेना दे सिपा सलार ने, ए 8000 सेना होर है। आयस दीनत सीख सिखाए, समझा बुझा के आग्या दित्ती उन्हां नूं, चले रण को चित चाब उमंगा, उन्हां दे मन च वी खरे होणे जा के महाराज किते बैठे होणे फड़ के लै आवन। ए नहीं पता भई अगे बब्बर शेर है जिन्हां दे चरणा ते शेर भी नमस्कारा करदे, अगे पार ब्रह्म परमेश्वर जोत अकाल तख्त साहब जी दे महान बल दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब ने ये तो इन्हें इंज कह दिता भी जिवें जाके झटपट ही अगे निहत्था ही कोई बैठा तो फड़ के लै आना। देखो की बनता है। भीखन खान बड़ो बलवान, इन्हां विच भाई साहब ने लिखिया भीखन खान दो ने, 4000 सेना दे सिपा सलार, एक गुल खान ते एक भीखन खान, बड़े वड्डे सरदार सूरबीर महान सूरमे अखवाण वाले हन। संजोए को तार रहो सरबंगा, उन्हें सारे अंग संजो जरा बख्तर नाल ढक लए हन। सर नाम कह गुल खान, दूजे दा नाम गुल खान है, जिन आगे करे बहु बार ही जंग, उन्हें अगे भी कई बारी जंग कीता होया, कोई पहली बारी नहीं। ए भीखन खान लला बेग दे जरनैल, लला बेग कमांडर इन चीफ है, अगों ये जरनैल, इन्होंने कई जंग अगे किते ने, अभ्यास है ते जंग किते नहीं जिते भी होए, इस करके इन्हों माण भी अपने ते कहंदे ने भी कोई गल नहीं देख लैंदे आ कौन हैगा है। 7000 को मरवाए कै, इस तरह दे नाल 7000 नू मरवा के 8000 करे पुण आगे, 8000 होर अगे कीते हन सैनिक। चोब दमामन ब्रिंद पर, वड्डे वड्डे दमामियां ते नगारियां ते चोब लाई गई है। बड़ा रोर करे रसबीर में पागे, वीर रस विच गुरसिख भी
वड़े जयकारे बुला रहे, ये भी या अली आदक नारे ला रहे हैं। वीर कहा बल ठान पिरे, और इस तरह दे नाल वीर किते बल नाल जेड़ा जंग करे। दिन तीनों कारण जेतन लागे, और दिन कारण जिस करके उन्हें दे वीर कमजोर पै रहे हैं। काल के प्रेर कहा बस चाल है, एक तो भुखे हैं, एक रात है, एक ठंड बड़ी ज्यादा। तो भाई साहब कहने ये तो इंज लगता भी लला बेग दे रूप में इन्हों की मौत नहीं, इन्हों प्रेर दिता भी जाओ अगे, काल दे प्रेरे हुए मौत इन्हों अगे लैके आ रही है। हवै न संभालन जात है भागे, अपना आप संभालिया तो नहीं जाता, पर अगे अगे भजते जा रहे हैं। तो सोचते पे ने भी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज न पकड़ के ले आवांगे। जान बड़ो दल आए गयो तब, इस तरह जान के वड़ा दल पिछों होर आ गया है। जोत परेर तुरंग अगारी, भाई जोत राय जी ने घोड़ा अगे कीता, अपना भाव अगे हुए। साहु सलेम सुआन मिलियो, अपने भ्राता सलेम शाह नाल आ मिले हन। सुख बूझ तिने सुख सार उचारी, आख्या भी सुनाओ किवें हाल है जंग दा। उन्हां कहा भी गुरु महाराज की बड़ी कृपा, साडा एक भी सैनिक ना मरिया है ते ना जख्मी होया, इस तरह ये जंग चलदा पिया है। ज्यों कट आपस में मर गए, और इस तरह दे नाल जिवें दुश्मन दल दे सैनिक आपस में भिड़के मर गए हैं। दूर खरे सब रीत निहारी, सलेम शाह दसदे पए ने अपने वड्डे भ्राता भाई जोत राय, वैसे दूर वेंदे रहे उन्हां नूं मरदिया होया आपस विच। आप ही ते बिन मारे मरे, साडे बिना मारे बहुते आपस विच ही मार मार के मर गए हन। गुर पूरन को सो प्रताप है भारी, ते भाई जोध राय कहण लगे सलेम शाह ऐ मेरे छोटे भ्राता आप नहीं मरे, आप कौन मरदा है, ये तो गुरु हरगोबिंद साहब दल पंजन गुरु सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी, वो भारी गुरु सूरमे का बल है, उन्हां दी कला है, उन्हां दे चढ़ के आए ने, इसलिए आपस में ही मरते जा रहे। इस तरह गुरु सर महाराज जंग चल रहा है। बाकी विचार हुण कल आप समय अनुसार सरवण करोगे सारयां दा, हार्दिक तौर पर धन्नवाद। बड़ी एकाग्रता ते प्रेम नाल आपने सरवण किया, सतगुरु पातशाह सब दियाँ हाजरियाँ अपने दर घर प्रवान करन, दरों करों सिखी नामदान चढ़दी कला हर प्रकार दियाँ बरकतां नाल निवाजण। आओ दो मिनट वास्ते सारे महामंत्र गुरमंत्र दे जाप नाल जुड़िए, फिर अरदास ते फिर खिमा प्रार्थी होवांगे। वाहे गुरु, 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 सारे जपो वाहे गुरु, 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 वाहेगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कादरे हर का खालसा जी चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो, ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।